अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एशियन कुजीन। आज मैं आपको पंजीरी बनाने की रेसिपी दूंगी, जिसको गोंद भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम उसके लिए अपनी सूजी, जो हमने आधा किलो ली है, उसको असली घी में फ्राई करेंगे। ये मैंने असली घी घर का ही निकाला हुआ है। 100 ग्राम हम घी लेंगे और इसके अंदर हम अपनी हाफ के जी सूजी को फ्राई करेंगे, राइट। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा, हम इसके अंदर हाफ के जी सूजी डाल देंगे और उसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। असली घी आप बाजार से ना लें, कोशिश करें कि खुद ही घर में निकालें। घर में जब हम दूध फ्रिज में रखते हैं तो इस पर बहुत मोटी बलाई आ जाती है। सुबह जब फ्रिज से निकालते हैं तो वो बलाई आप जमा करती रहें और फिर उसको आप हल्की आंच पे पकने रख दें, तो ये आपका घी बन जाएगा। ठीक है, हमारा घी अब पिघल गया है। अब हम इसके अंदर ये हाफ के जी सूजी है उसको भूनेंगे, राइट। स्लो हीट पे भूनिएगा। हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर लाइट सा, लाइट ब्राउन ना हो जाए, राइट। देखिए, हमारी सूजी अब इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे और अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो असली घी में हम फ्राई करेंगे, राइट। को हम निकाल लेंगे। इसको आप किसी प्लास्टिक के बर्तन में या प्लेट में मत निकालिएगा, क्योंकि सूजी बहुत गर्म होती है तो वो जला देगी। आप इसको किसी स्टील के बर्तन में या सिल्वर के बर्तन में निकालिएगा। देखिए, हमारी सूजी अब बन चुकी है। अब हम इसके अंदर 100 ग्राम पिसा हुआ खोपरा, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं, और ये पिसी हुई हाफ टी स्पून ग्रीन इलायची, हरी इलायची, ये हम इसमें डाल के इसको मिक्स करेंगे और एक साइड पर रख देंगे। उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स अपने जो हैं वो हम फ्राई करेंगे, फिर उनको मोटा मोटा कूट के हम इसमें मिला देंगे। देखिए, हमारी जो बोलिए, अब हम इसको उतार लेंगे और फिर हम इसको इसके अंदर सम्मिलित करेंगे। देखें, अब सेम उसी बर्तन में हम 2 टेबलस्पून असली घी लेंगे, उसको मेल्ट करेंगे। अब हम अपने ड्राई फ्रूट जो हैं वो इसमें फ्राई करेंगे, राइट। फ्राई करते जाएंगे और हम इनको निकालते जाएंगे। इसके अलावा मैंने गोंद भी ली है, वो भी मैं इसमें डालूंगी। देखिए, हमने 100 ग्राम गोंद ली है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और जो मोटे मोटे दाने हैं इनको हम पीस लेंगे। ये एकदम डबल हो जाएगा साइज में गोंद। हल्के आंच पे हम इसको पीसेंगे, सॉरी फ्राई करेंगे। जैसे ये डबल साइज में होगा हम इसको निकाल लेंगे। ये गोंद बहुत ज़रूरी होता है जोड़ों के दर्द के लिए, और जनाब जिन औरतों के घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत अहम है ये। इसमें बड़े फ़ायदे हैं। डिलीवरी के बाद खवातीन इसको इस्तेमाल करें, सारे जिस्म का दर्द वगैरह सब खत्म हो जाएगा। ये ना डरें कि वेट बढ़ जाएगा, वेट तो बढ़ेगा ही। आप चाहे वो ये ना भी खाएं तब भी बढ़ेगा, क्योंकि जो औरतें फीड कराती हैं उनकी खुराक ज़्यादा होती है। इस वजह से अगर वेट गेन हो रहा है तो टेंशन ना लें, ये तो खुद सही हो जाएगा बाद में, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें।
इसका कलर अब चेंज हो गया है और ये वाइट हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे और जो बड़े बड़े पीसेज हैं इसमें इनको हम पीस लेंगे, बाकी हम ऐसे ही डाल देंगे। इसे अपने ग्लास प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसको प्लास्टिक में मत निकालिएगा वरना आपकी प्लेट चल जाएगी। सब निकाल लेंगे, इसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी डालें, 1 टेबलस्पून घी डालें। अब हम इसमें 4 मगज फ्राई करेंगे। सब फ्राई कर करके हमें निकाल लेना है, फिर हम मोटा मोटा सूखे इसे अपनी सूजी में शामिल करेंगे और 1/2 किलो चीनी भी इसमें हम अपने गोंद में शामिल करेंगे। आपको जितना मीठा पसंद हो आप उतना ले सकते हैं। ये भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए अब हम असेंबलिंग करेंगे। ये मैंने सूजी में खोपरा मिला के रखा था, अब हम इसके अंदर किशमिश डालेंगे, राइट, और पिसी हुई चीनी डालेंगे। ये हमने 400 ग्राम चीनी ली है पिसी हुई, ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़े हमें बादाम पिस्ते भी हमने पीस लिए हैं, वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। गोंद हमने ली है, ये गोंद भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़े से हम साबुत डालेंगे 4 मगज और कुछ हम मोटा मोटा कूट के डालेंगे, राइट, ये हम मिक्स कर देंगे। अब ये कूटे हुए बादाम पिस्ते ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मेरा बोल थोड़ा छोटा है, चाहे हाथों से कर लें, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैं बड़ा बोल लेकर आती हूँ, उसमें मिक्स करेंगे।
देखिए ये चार मगज हमने अच्छी तरह मोटे मोटे कूट लिए हैं, क्रश कर लिए हैं, ये भी हम इसमें मिला देंगे। चार मगज कहते हैं तमाम फलों के बीजों को। इन बीजों में बहुत मगज होता है, बहुत ताकत होती है, ज़रूर लिया करें। अब ये भी हम इसमें मिला देंगे। और अगर आपको ज़्यादा टेस्ट पसंद है, थोड़ा और अलग सा टेस्ट चाहती है, तो दखनी मिर्च आती है हमारी वाइट पेपर, उसको आप फ्राई करके और वो पीस के आप इसमें मिला दें, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट हो जाएगा। राइट, ये देखें जनाब हमारा ये कौन अब रेडी है। मैं आप इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें ये हमारा गोंदम रेडी है, इसको पंजीरी भी कहते हैं, क्योंकि तो इतना शानदार बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।